और खबरों में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश सरकार लगातार स्कूली बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी के तहत ग्वालियर के पिंटो पार्क चौराहे पर लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ है। पिंटो पार्क चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद रही, जहां पर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट बांटे हैं। तो वही कार्यक्रम को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया है और इस लोकार्पण समारोह में पहुंची स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक लोकगीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए हैं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा गया है। इस सिलसिले में ये पिंटो पार्क से जो रोड चालू हो रही जहाँ हम लोग हैं, यहाँ से लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से दिया है और कुछ लाडलियों को यहाँ से उनके जो एंटाइटलमेंट है वो सर्टिफिकेट के रूप में बांटे गए हैं माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा। अभी आज अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो लाडली लक्ष्मी पथ के लोकार्पण का कार्यक्रम है। लाडली लक्ष्मी योजना 2006 से प्रभावी होकर प्रदेश भर में चल रही है। इस योजना का अभी इस वर्ष से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके